बताओ कौन बोला, कौन बोला? तुम ही तीनों होगे, क्यों सर खपाते रहते हो मेरा? पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने रहते हो तुम सारे। पर सर मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो तो रचित बोल रहा है। हाँ सर, रचित लगा हुआ है तब से। चुप, आप उसे तो कुछ भी नहीं कहते हो। बिल्कुल चुप। रचित बोलते हैं। हम तो कुछ नहीं करते सर, आप ही बोलते रहते हो। मैंने बोला ना बिल्कुल चुप, चुप। अब सब लोग शांति से बैठ जाएंगे। एक और आवाज आई, धक्के मार के निकालूंगा क्लास से। सब लोग चुपचाप बैठ जाओ। Now let's start with the basic proportionality theorem. यार इच्छे तू भी ना, एक दिन इसी बैट से इतना पिटेगा, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा खासा दिन जा रहा था, क्यों याद दिलाता है? चलो यार अब फटाफट खेल लेते हैं, अभी मैथ्स का होमवर्क भी नहीं किया, घर जाके वो भी करना पड़ेगा। हाँ यार, यार चलो 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 खेलते हैं। आज क्लास बड़ी खाली खाली लग रही है, हमारे गांधी जी के तीन मंदिर कहाँ गए भाई? सर वो तो अभी तक पता नहीं कहाँ है। तो ये खुद नहीं आते, ऊपर से इनके ग्रेड भी नहीं आते। सर उनके तो ग्रेड आते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे को पता है कि तुम्हें पता है। सॉरी सर। क्लास इतनी खाली खाली लग रही है, कहाँ है सारे? बड़ी जल्दी आ गए, कहाँ थे सारे? किसी काम के नहीं हो, कभी सोसाइटी का भला नहीं कर पाओगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको ही लगता है कि हम सोसाइटी का कुछ अच्छा नहीं करते। हाँ सर, आप खुद ही देख लेना कि हम क्या करते हैं। हाँ सर, आप खुद ही देख लेना। भैया आपने जो काम दिया था हमें, हमने वो कर लिया। ये मैंने सही लिखा है।
गुड।